इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सिंदूर दान हुआ तब माँ मेरी प्रभु के वामांग में विराज गई। अब माँ अर्धांगिनी हो गई। एक आसन पर बरकन्या जैसे विराजे, चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा, आनंदित हो गए, नेत्र बंद हो गए, समाधिस्थ हो गए। गुरु वशिष्ठ भगवान ने महाराज शिरध्वज जी अर्थात जनक जी को बुलाया, कहा राजन, चक्रवर्ती जी के अभी 3 पुत्र हैं, आपके यहाँ और कन्याएं हैं क्या? बोले महाराज हमारे यहाँ भी 3 कन्याएं हैं। हा 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 हा, क्या बात है, तो लाइए राजन। मंडप 1 और दूल्हा दुल्हन 4, इसको कहते हैं सौभाग्य। देखिए, 1 ढूंढने गए और 4 बेटियों का ब्याह हो गया। यही सत्कर्म यही काम करता है। मैं अक्सर निवेदन करता हूं कथाओं में, आप 25% मेहनत करो और 16 आने लाभ हो तो समझ लेना मेरे करने से नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा का फल है। थोड़ा किया ज्यादा प्राप्ति, और ज्यादा किया थोड़ा मिला तो अपना भाग्य समझो। ज्यादा मेहनत किया और थोड़ा मिले तो मेरे भाग्य में, यही क्या कहें, मेरा प्रारब्ध ऐसा है। थोड़ा किया अधिक की प्राप्ति, ये भगवान की कृपा। कृपा देखो भैया, बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु गुण तुम्हार असमझै निज दोषा, दोष हमारा अगुण मेरे राम जी का, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। भक्त कौन है? मेरे में जो गुण है, अरे मेरे राम जी की कृपा है। दोष है, अब मेरे करने का फल है साहब। आदमी करता क्या है? बढ़िया हो गया, बड़ी मेहनत की मैंने, खराब हो गया, राम जी की यही इच्छा थी ले। बढ़िया करने वाले हम हैं और खराब करने वाले भगवान। अभी आपसे निवेदन किया, भगवान बहुत बढ़िया आदमी है कि नहीं? तो बढ़िया आदमी खराब काम कैसे करेगा? प्रभु बड़े अच्छे, मेरे भगवान से अच्छा कोई नहीं है। बस इसका ध्यान रखिए, जनक जी महाराज जैसे रहना है, जोग भोग में राखे गोई। संसार में रहते हुए भी भगवान का विस्मरण नहीं करना, यह भी गलत शब्द है, यह गलत वाक्य है। संसार में रहते हुए ही भगवान का स्मरण करते रहना है। देखो आप, हैप्पी बर्थडे किसी का मनाओ बुरा नहीं है, लेकिन हैप्पी बर्थडे मनाने के साथ ये मनाओ, वाह अब भजन का बर्थडे आ गया, अब आज से भजन शुरू हो जाएगा। दीप जलाओ, दीप बुझाओ मत, दीप जलाओ। 40 के हो गए, 40 दीप जलाओ और अगली बार 41 दीप जलाएंगे। क्यों? इतनी दिव्यता के साथ भगवान की ओर बढ़ना है, प्रकाश की ओर बढ़ना है। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये हमारा भाव। हम वैदिक संतान हैं, हम पौराणिक संतान हैं, हम औपनिषदिक संतान हैं, हम कोई किताबी संतान नहीं है, हम शाश्वत ब्रह्म के पुत्र हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं। और जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, माया धाम मायाधीश ज्ञान गुण धामू, हम ऐसे ज्ञान तत्व के पुत्र हैं। तो जनकराज महाराज का कितना सौभाग्य, उनके जीवन के प्रभाव से, उनके भजन के प्रताप से 1 बिटिया का स्वयंवर रचे और 3 बिटिया ब्याह गई साहब। कुछ करना नहीं पड़ा, पूरी मिथिला आप कल्पना करिए, किसी ने 1 बेटी का ब्याह साझा हो और साथ साथ जितनी बेटी हैं सबका ब्याह हो जाए,
वो बेचारा तो गंगा जी में 1108 डुबकी लगाएगा, नहीं लगाएगा? कितना पुण्य है। और गुरु जी को तो क्या कहना, यही आनंद सखियां। कन्यादान के पश्चात बहुत सारी सामग्री महाराज श्री जनक जी ने दाइज में दी, दहेज दिया। चक्रवर्ती जी ने सब वहीं बांट दिया। क्यों? अयोध्या में इतनी संपदा खुदे है कि कुबेर लजा जाते हैं देखकर। भाई जिसके पास बहुत सारी सामग्री हो तो वो दूसरा कोई देगा भी तो ले जाके करेगा क्या बेचारा? नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, हमारे यहाँ खुदे सड़ी रहा है सब। किसी के आम का बगीचा हो, उसको 1 क्विंटल आम और दे दो तो क्या करेगा वो? चुपचाप रात को उठ के ट्रेन पकड़ लेगा, जहाज पकड़ लेगा, कहा भैया अपन रखो, हमारे पास खुदे बगीचा 100 पेड़ का है, हम क्या करेंगे ले जाके। तो सरकार के यहाँ तो खुद ही इतनी संपदा है, लेकिन कन्यादान के पश्चात देने का विधान है, सो महाराज ने दिया और चक्रवर्ती जी ने वहीं का वहीं सब बांट दिया। बड़ा सुंदर कोबर भाव है, महापुरुषों ने अनेक भाव रचे हैं। बारात विदा चाहती है, दिन प्रतिदिन सरकार चाहते हैं जाना, लेकिन जनक जी महाराज दिन उठे विदा अवधपति मांगा, राखे जनक सहित अनुराग नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई गाहु। दोहा क्रमांक क्या है? 332 माँ 332 बालकांड में देखें, 332 बालकांड मैं आपको संक्षिप्त पहले चल रहा हूं। नित्य विदा चाहते हैं, ये विदा क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भैया, कौन बाप अपनी बिटिया को जल्दी विदा करता है? जगत की बेटी को भी कोई पिता शीघ्र विदा नहीं करता है, कारण ममता। बस जब तक यहां है तब तक कम से कम सुकून है, और ससुराल चली गई तो वहां तो काम से फुर्सत नहीं है साहब। बेटी बाप सोचता है चलो जितने दिन बिटिया है, देख कर गदगद रहता है। और ये तो जगत जननी है, क्या बात है, ये तो भक्ति है। भक्ति को कोई पिता विदा करेगा नहीं। चक्रवर्ती जी जो राम जी को चौथे पन पायम सुतचारी अभी प्रवचन नहीं कहे हूँ बिचारी। चौथे पन में तो पुत्र मिले आप भाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, अब मेरे राम देत नहीं मन गोसाई। चारों पुत्र प्राण जैसे प्रिय हैं, लेकिन राम जी तो देते ही नहीं बनते महाराज। आप राम को मांगने आ गए? ऐसा प्रेम देखकर विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए। जो राम जी के प्रति चक्रवर्ती जी की स्थिति है, वही श्री किशोरी जी के प्रति जनक जी की स्थिति। विदा नहीं करते, नहीं महाराज, नहीं विदा करते हैं। एक ब्रह्म है, एक आदि शक्ति है, एक नारायण है, एक भक्ति है, जाना तो पड़ेगा ही, अलग कैसे? देखो आप, पति पत्नी गृहस्थ आश्रम इतना दिव्य है भारतवर्ष का, यहां तीसरे की आवश्यकता ही नहीं। दो ही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। आप देखते हैं अपने यहां कोई भी भगवान, शिव बाबा से कौन अलबेला है, लेकिन ये भी बिना माता जी के नहीं रहते। रहते हैं क्या? शिव बाबा अपने पूरे परिवार के साथ शिवालय में रहते, जबकि भोले भंडारी हैं समाधि में रहते, 24 घंटा आंख बंदे रहती है शिव जी की, है माता जी गृहकार में, बाबा जी एकदम ध्यान में, आनंद में, मंदार माला कुलताल काले।
क्या बात, कोई भी देव आयुध रहित नहीं है, कोई भी देव शक्ति रहित नहीं है। क्योंकि शक्ति रहित पुरुष का कोई अर्थ नहीं, शक्ति को तो साथ रखना ही पड़ेगा। अब ये शक्ति और नारायण, शक्ति और ब्रह्म, भक्ति और नारायण, भक्ति और ब्रह्म, कौन बाधक बने? अनेक प्रकार विश्वामित्र बाबा और शतानंद जी ने समझाया। तब जनक जी महाराज तैयार भए, कारण ऐसा सुख मिलेगा, भक्ति हमारे यहाँ आई तो नारायण लेने आ गए, ब्रह्म लेने आ गए, अब मैं तो जा नहीं सकता श्रीधाम अयोध्या, बेटी के गांव बहुत दिन जाकर रह भी नहीं सकता, तो यहीं रस लिया जाए, दर्शन का लाभ इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। अब ब्रह्म का ध्यान करते थे सो देह धर के आ गया है, दर्शन लाभ प्राप्त हो, ये सुखद आनंद। जब भी भगवान को देखिए ना, तो भगवान के स्वरूप को देखिए। देखो आप ऊपर दर्शन में जाते होंगे तो ऊपर मंदिर काहे का बना है ये मत देखो, देखो श्री हनुमान जी कैसे प्यारे से ऐसे बैठे हैं, आहा हा, टुकुर मुकुर ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, गणपति बाबा का देखो कैसे, ये उनका श्रीमुख दिव्य, क्या बात है, कभी विशेष दर्शन करो तो पता चलेगा क्या बात। मेरी माँ कैसे पुष्प लिए आशीर्वाद मुद्रा में भाव से खड़ी आप पर कृपा बरसा रही है। श्रीमुख का दर्शन करो, अंग प्रत्यंग का दर्शन करो, तब आप जब सोएंगे ना तो दुनिया नजर नहीं आएगी, तब श्री विग्रह नजर आएगा, आहा हा क्या बात। इष्ट को, भगवान को, मंदिर को जाकर देखना है तो वहाँ बैठे भगवान को नेत्रों में पधरा लेना चाहिए। मंदिर काहे का बना है, कहाँ से संगमरमर आया है, इससे तुमको क्या मतलब, इससे भगवान का दर्शन करो ना भाई। लेकिन ये मूर्ख जीव भगवान का दर्शन नहीं करता है, बताइए कहाँ से आया है, आधा घंटा इसी में लगा देता है, और तो और आगे दर्शन नहीं करेगा, पीछे जाके दीवार रगड़ना शुरू करता है। ओह क्या आदमी है, जनक जी महाराज क्यों दर्शन क्यों नहीं विदा करते, अरे शक्ति तो आई थी, नारायण भी कृपा कर दिए, इस दर्शन का लाभ कहाँ मिलेगा। भक्ति और भगवान एक साथ आ गए हो, शिव की कृपा का क्या कहें, गुरु विश्वामित्र जी की कृपा का क्या कहें, भगवान परशुराम जी की करुणा का क्या कहें। अरे भगवान के भजन में रहने वाले पर भगवान अपने भागवत जनों से भी करुणा बरसाते रहते। जाओ उसके यहां जाओ, क्या कृपा कर दो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।